हेलो गाइस, तो एक और धमाकेदार वीडियो के साथ स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैडी अंकित पर। तो गाइस, इससे पहले हम लोग अपने होंडा SP 125 से रिलेटेड रिव्यू और जो हमने डिलीवरी लिया था उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मीटर फंक्शंस को लेके, इसमें एनालॉग मीटर है या डिजिटल मीटर है इसको लेके। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसमें एनालॉग मीटर है या डिजिटल मीटर है, जो भी ओडोमीटर का फंक्शन है उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर किए अपने दोस्तों के साथ। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं बाइक से रिलेटेड, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस, फटाफट बात करते हैं हम लोग मीटर के फंक्शन की। जो SP 125 हाल ही में हमने खरीदा था उसका मीटर बेसिकली जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत ही धासु मॉडल बनाया है SP 125 ने, मार्केट बिल्कुल ही कैप्चर कर लिया है इस बाइक ने। हाल ही में आया हुआ बाइक और मार्केट में बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है। क्या प्राइस वगैरह पड़ेगा ये सब आपको हमारे चैनल पर ऑलरेडी अनदर वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग इसके मीटर की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँगा इस यहाँ पे जो आपको मीटर मिलने वाला है वो कोई भी आपको सर्कुलर वगैरह नहीं मिलने वाला, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप में आपको मिलने वाला है। सो ऑन करते हैं हम लोग। ऑन करके आप जैसे ही ऑन करेंगे सामने आपको डिस्प्ले दिख रहा है, डिजिटल डिस्प्ले मिला हुआ है जिसमें आपको फ्यूल मीटर से ले कर ओडोमीटर राइट साइड में आपको दिख रहा, गियर नंबर से लेके आपको टाइमिंग वगैरह सब कुछ इसमें देखने को मिलने वाला है बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है इसका डिजिटल मीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेफ़्ट साइड में जो है वो फ्यूल का कांटा है, कितना आपके गाड़ी में फ्यूल है वो इंडिकेट करेगा, प्लस वो ब्लिंक करता है, ब्लिंक करने से पता चलेगा आपको कि रिजर्व में है। जैसे ही अभी ये हाफ से ज़्यादा फ्यूल है। उसके बाद स्पीडोमीटर बिल्कुल सेंटर में दिया गया, टाइमिंग दिया गया, टाइमिंग प्लस ऊपर से ट्रिप ए ट्रिप बी का फंक्शन भी इसमें दिया गया है। टाइमिंग आप इसमें सेट कर सकते हैं, स्टैंड अगर लगाओ जैसे अभी गाड़ी स्टैंड पे तो स्टैंड आपको यहाँ पे दिखा देगा, उसके अलावा अगर स्टैंड पे नहीं है तो वो सब आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। साइड में आपको बटन मिलेगा जो कि ट्रिप सेट रीसेट करने का, टाइमिंग वगैरह सब कुछ सेट करने के लिए आपको दोनों तरफ में बटन मिलने वाला है, बटन कंट्रोल्स है, ठीक है। बट तो बटन के मुताबिक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे मीटर मिलने वाला है। इकोनॉमी मोड है तो इकोनॉमी मोड में ग्रीन कलर का लाइट एक्टिंग सिस्टम दिया गया है, लाइट जलता है। अभी ऐसे न्यूट्रल में आ गया गाड़ी तो देख रहे हैं एन भी लिखा आ जाएगा गियर में, प्लस आपको ऊपर में ग्रीन कलर का एन का लाइट देख रहे हैं जलता हुआ आपको दिखेगा। तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इसमें डिजिटल मीटर दिया गया है। एनालॉग का कोई भी फंक्शन नहीं है, कुछ भी एनालॉग नहीं दिया गया। ऊपर में हल्का सा आपको सामान रखने का भी जगह, कैसे कपड़ा वगैरह रखते हैं आप, उसके लिए आपको मिल जाएगा। तो ये रहा इसके मीटर से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और आपको कैसा लगा इस जो SP 125 का इतने कम रेंज में इतना अच्छा डिजिटल मीटर दिया गया, ये आपको कैसा लग रहा है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी और भी कुछ क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। इसके साथ साथ आपको जो दिया गया है साइड में आपको पास देने के लिए बटन दिया गया है, पास देने का बटन है, हॉर्न जो नॉर्मल है, हॉर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, वो सब का भी डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम लुक आ रहा है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया गया। प्लस ऑन ऑफ का सिस्टम दिया गया है जो आजकल लगभग हर गाड़ी में मिलता है। तो आपको कैसा लगा इसका फंक्शन आप हमको कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।